कौन हो तुम? मनु। कौन मनु? तेरा बाप। फंकोला। बिच्छू का काटा मरता नहीं तड़पता है, और सांप का काटा तड़पता भी है और मरता भी है, समझा? बिच्छू की बिल में आके तू जिंदा वापस नहीं जा सकता। धमकियों से गीदड़ डरते हैं, शेर नहीं। ये लो संभालो तुम्हारे पैसे, और आइंदा इधर कभी मत आना, समझे? बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस स्टेशन? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो गुंडा, अरेस्ट हिम। लेकिन लेकिन मनु भाई अपन को तुम्हारा डिंग डॉग बहुत पसंद आया भाई। देखिए आपको तेरा स्टाइल है ना यार, बहुत सॉलिड लग रहा है। दारू ने मतलब गाना नहीं चला। लेकिन मनु भाई तुम अपन को इधर जेल में भेंडी दारू पिलाया पिलाया लो ने। अरे यार क्या बात कर रहे तू, अपन ने तेरे को जेल में दारू पिलाया, तू अपन को जेल के बाहर दारू पिलाना हिसाब। मनु भाई अभी तू अपन का दुश्मन के लिए इसलिए बोलता है, अपन के पास एक ऐसा बैग है, दबाओ। क्या दबाओ यार? बटन दबाओ और सारी दुनिया को नशे में झुलाओ, इतना माल है। देखो आज तुम दोनों छोटी सजा काट कर आजाद हो रहे हो, लेकिन अगर तुमने गुनाहों का रास्ता नहीं छोड़ा तो याद रखना ये सजा इतनी लंबी हो सकती है कि तुम्हारी सारी जवानी जेलों में ही खत्म हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, आपने अपना जिंदगी में बहुत जेलें देखा है, लेकिन आप जैसा नेक और ईमानदार ऑफिसर आज पहली बार देखा है। इंस्पेक्टर साहब, अपुन आपकी नसीहत का इज्जत करेगा और यह कोशिश करेगा कि अपुन दोनों जेल का मुंह फिर कभी नहीं देखे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू साहब। रखना बाबा, कानपड़ में दूंगा, रख ले चल। जियो सेठ पुखराज, क्या माल कमा लिया सर, किस्मत खुल गया सारे का। चल बाबा चल भाई। मनु भाई अपन बहुत बड़े आदमी बन गए, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार। ये वही जो अपन तेरे को बोल रहा था ना। ये माल मिल गया, अपन ये माल ले जाकर फुकरा सेठ को देगा, फुकरा सेठ मेरे को 5 लाख देगा, मैं बड़ा आदमी बन जाएगा। बाकी जो तेरे को वादा किया ना, तेरा दारू का फैक्ट्री पक्का है।
काम करूंगा। इंस्पेक्टर धांसू, पहचाना इसे? बिच्छू का काटा मरता नहीं तड़पता है। देखा कन्नू, बिच्छू का माल हजम कर जाना कोई आसान बात नहीं है। चलो मनु, तो इसका आदमी? हाँ, जिस तरह तू उखराज का आदमी है ना, वैसे ही चपुन बिच्छू का आदमी है। तूने बिच्छू को उल्लू बना और अपुन ने तेरे को, वैसे अपुन दोस्त सिर्फ पैसे का है, पैसे का। ओके बॉस, अपुन समझता है लॉस होने पर आदमी ऐसे ही बिहेव करता है। ये ले, इसकी थोड़ी दारू टिका देना, सब ठीक हो जाएगा। चला ठीक है बाबा, ठीक है। अपुन तेरे साथ दोस्ती लिखा और तू मेरे को 2 रुपये का नोट दिखाया, ठीक है। मगर इतना याद रखना, कन्नू के साथ झूठी दोस्ती का नाटक करके तूने बहुत कम कीमत पाई, मगर दुश्मनी करके तेरे को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना। कसम धंधे की, इस धंधे में ऐसी कौन सी लड़की है जो इस खानदानी धंधे वाले को नहीं जानती। लेकिन बादशाह, ये जो लड़की है ना, इसकी शक्ल मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। कहो तो कोई अच्छा सा माल पेश करूं। ना मर्दों के हाथ में ये मर्दों वाला खिलौना अच्छा नहीं लगता। पता नीलू कहाँ है? मैं नहीं जानता नीलू किधर है। नहीं जानता? बोल कमीने, मेरी बहन कहाँ है जिसे तू नौकरी के बहाने ले आया था? बोल। मुझे नहीं मालूम। बोल नीलू कहाँ है? उसे जैसे मेरे इरादे का पता चला वो मेरी चुगल से भाग गई। मारा मारी तो अपुन ने बहुत किया जिंदगी में, लेकिन मारा मारी का ऐसा स्टाइल अपुन ने पहली टाइम देखे ले। अपुन का नाम मन्नू है क्या? और बहादुरों से दोस्ती करना अपुन का शौक है। प्रेम सिंह, इधर 24 कलाक हवा, 12 कलाक धूप और 6 कलाक पानी मिलता है। ऐसा फैसिलिटी है ना, तेरे को अक्खा बंबई में नहीं मिलेगा क्या? अक्खी बंबई में तेरे जैसा इंसान भी नहीं मिलता जो एक अजनबी को दोस्त बनाकर अपने घर ले आए। देख प्रेम सिंह, दोस्त बनाने के लिए अपन मुलाकातें नहीं गिनता, दिल देखता है दिल। तेरी बहादुरी देखकर और ट्रेजेडी सुनकर अपन इमोशनल हो गया था यार। तू यहाँ मजे से रहे, पापी और अपनी बहन को ढूंढ। नो नो मैन, बंबई में लोग नौकरी ढूंढने को आता है, छोकरी ढूंढने को आता है, और तुम सरदार जी को बहन ढूंढने को बोलता है? मेरा नाम पीपी है, तुम्हारा नाम क्या है? प्रेम सिंह। ओह हाउ स्वीट, फिर तो तुम प्रेम करने में एकदम एक्सपर्ट होएगा ना। बगल में रहती हूँ, जब चाहे बुला लेना, आ जाऊंगी बगल में। बाय द वे, तुम्हारे सिस्टर का क्या नाम है? नीलू। अरे क्या बात कर रहे हो, सोने का भाव कभी नहीं बदलता। सोने का भाव है, सोने का हार कुछ तो देगा। मौसी। ओ मौसी। मौसी? हाँ मौसी, मैं हूँ तुम्हारी भांजी बसंती। मेरी कोई भांजी नहीं है। अरे क्या हुआ? मौसी तो मेरी भी मर चुकी है, पर आपको देखकर उनकी याद आ गई। रो मत बेटी, रो मत। नहीं नहीं रो मत। अच्छा मौसी, फिर मिलूंगी। अच्छा बेचारी। मिसेस गुप्ता, आपका नेकलेस।
हाय आंटी, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। अरे चोर, अरे मेरा हार, मेरा सोने का हार, मेरा कितना नुकसान हो गया। अरे तुम्हारे साथ साथ अपुन का भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन मौसी काकी चाची डरने का नहीं, तुम्हारा हार मिल जाएगा। अरे बाबा कैसा मिलेगा, वो लड़की तो अब तक भाग गई। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगी, उसके बाप का माल है क्या भागने को। अरे भेंडी अपुन के यहाँ होते हुए कोई दूसरा चोर आई नहीं, मेरा मतलब है कि अपुन के यहाँ होते हुए चोरी हो ही नहीं सकती। अरे जैसे एक घर में दो औरतें चुप नहीं रह सकती ना, वैसे एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती। भेंडी एक एक की चेकिंग की जाएगी, सबकी तलाशी ली जाएगी। अच्छा मौसी, आपको उस चोर का चोकटा याद है क्या? नहीं बेटे, कुछ नहीं मालूम, तुम ही कुछ करो। कुछ नहीं मालूम, कोई बात नहीं, मेरे को सब कुछ मालूम है। मैं अभी आपको पकड़ के बताता। भेंडी इंडिया इतनी तरक्की कर गया, क्या पुतला बना ला, एकदम रियल के माफी दिखता है। तू क्या अपन को बहुत पसंद आ गई, अपन तेरे को घर में लेके जाएगा, बाद में तेरे में जान डालेगा क्या। अभी क्या है, तू अपन की दोस्त बन गई लिए इसलिए तेरे को अपन एक सवाल पूछता है। भेंडी ये दारू पीने के बाद तेरे को लोगों की जेबें टटोलने की आदत क्यों है? ये तो मेरी बचपन की आदत है। बचपन की आदत है, बहुत गड़बड़ बात है मालूम। भेंडी कभी किसी का जेब फटेला हो तो और किसी का हार छुपाना भी बुरी आदत है। पता मेरा हार कहाँ है? चाकू, चाकू दिखा के हार मांगा? अरे मांगना है तो अपुन का दिल मांग, मांगना है तो अपुन के जिगर का कुर्दा मांग, मांगना है तो अपनी जान मांग, अपुन का ईमान मांग। भेंडी मांग मांग के मांगा तो सारा हार मांगा। ये जेवर औरत लोगों का वीकनेस होता है। अरे रात चलने पार चलने तू में पुलिस, पुलिस, अरे भाग। अरे चौकने के साथ गड़बड़ करता है क्या? हो रहा है भाग गया, अभी कोई बात नहीं, पर वो भाग गया। मैं तो हूँ ना, ज्यादा कुछ किया नहीं ना, चल चलते हैं कोने में। ये भारतीय रे, ये बाप रे, ये भारतीय छोकरी, मैं भी भागता है।